यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हम सब के जिंदगी में एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा है ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ समय बिता सके, वचन से सीख सके, अपने जीवन में अमल करके उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। आपका वचन बताता है कुलसियों 1:9-10 में पौलुस इस तरह कहता है कि इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर के इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु का योग्य हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले काम का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हाँ प्रभु, सचमुच में कुलसियों की कलिसिया को पौलुस ने जिस तरह से बताया ये वचन हमारे सबके लिए है परमेश्वर पिता, और हमें प्रभु आपने पवित्र आत्मा मदद दिया है ताकि परमेश्वर हर प्रकार की फल हमारे जीवन में लगे, प्रभु हम योग्य चाल चले और एक यीशु मसीह के लिए एक आशीष का और उन्नति का कारण हम लगातार परमेश्वर के राज्य के लिए बनते रहे। प्रभु यीशु आपका नाम को ऊंचा करें, जो वचन प्रभु तैयार किया है उनका प्रकाशन आप मुझे दीजिए ताकि वही वचन वही प्रकाशन मैं इन दर्शकों तक पहुंचा सकूं। आप सब मिलके प्रभु मसीह का देह उन्नति पाए। यीशु सारा आदर सारी महिमा तुझे मिले, हम घटे आप बढ़े। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो विषय लिया है ये है उपवास और प्रार्थना का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर। मैं इस विषय को, बहुत लोग का बहुत सारे डाउट्स होता है कैसे फास्टिंग करते हैं, कैसे उपवास प्रार्थना करते हैं, क्यों करते हैं, बहुत सारे लोग का अंदर ये डाउट्स रहता है। इसलिए मैंने ये विषय लिया है पवित्र आत्मा की सहायता से। हम कुछ वचन जो यीशु मसीह पृथ्वी में थे तब अपने चेलों को क्या कहा, मैं शुरुआत से पहले उस वचन को पढ़ना चाहती हूँ आपके लिए, आप ध्यान से सुनिएगा। मैथ्यू चैप्टर 17:14-21, इसमें दुष्टात्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना, कैसे यीशु मसीह ने दुष्टात्मा ग्रस्त बालक को चंगा किया। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर क्योंकि उसको मिर्गी आती है और बहुत दुख उठाता है, बार बार आग में बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसको अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोग, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और उसमें से निकल गए और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि तुम से सच कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दानों के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे ये यहां से सर कर वहां चला जाओ तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यदि ये जाति बिना प्रार्थना बिना उपवास का नहीं निकलती, इंग्लिश में लिखा है दिस काइंड ऑफ स्पिरिट। दुष्ट आत्मा में भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, ये वचन के अनुसार यही हमें समझ में आता है। कुछ ऐसे स्टबर्न स्पिरिट्स जो तगड़ी दुष्ट आत्माएं होती है, वो यीशु मसीह ने कहा इस तरह जो
मजबूत और तगड़ी दुष्ट आत्माएं होती है वो इतना जल्दी से निकलता नहीं है, उसके लिए उपवास प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए चेलों ने उस तरह से जो मिर्गी का बीमारी, कभी पानी में वो लड़का गिर जाता था, कभी आग में गिर जाता था, कुछ भी हो सकता था, और उसका पेरेंट्स को कितना दुख उठाना पड़ा इस तरह से बीमारी ग्रस्त, दुष्टात्मा ग्रस्त उनका बेटा से, और किस तरह से चेलों ने नहीं ठीक कर पाया, मगर यीशु मसीह ने कैसे उसको ठीक करके दिखाया, और ये संदेश हमें बताते हैं, ये हम सीखते हैं। लेकिन मैंने देखा कई जगह में ये वचन कई जगह मिसिंग है, कई जगह कुछ और तरीके से लिखा है, मतलब डिफरेंट वर्शन और डिफरेंट लैंग्वेजेस, जितना हो सके इंग्लिश हिंदी आपको अध्ययन करना चाहिए, तभी आपको हो सकता है तो यहूदी का भी इब्रानी बाइबल भी पढ़ना चाहिए, तभी आपको पूरा असलियत उसका जो रियल मीनिंग आपको अर्थ तभी आपको समझ में आ जाएगा। और कई लोग सोचते हैं, कई सारे डाउट्स होते हैं, ये उपवास होता क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, उसका नियम कानून क्या है, और उसका फायदा हमें क्या होता है, इस तरह से बहुत सारे डाउट्स हमारे अंदर होता है, क्योंकि हमारे हमेशा मैं बताती हूँ, हम ह्यूमन बी इज ऑफ 3 यूनिट्स, एक मनुष्य अंदर 3 यूनिट्स है, शरीर प्राण और आत्मा है। हमारा शरीर, हमारा प्राण मतलब हमारा जो दिल और दिमाग और हमारी भावनाएं इमोशन, ये सारे हमारे जो प्राण में आता है, और हमारा स्पिरिट मैन, हमारा आत्मिक मनुष्य, इस तरह से हमारे अंदर ये 3 लेयर्स में, वी आर फॉर्म्ड विद दिस 3 लेयर्स हमारे अंदर, इंग्लिश में बॉडी सोल एंड स्पिरिट, इसको इस तरह से कहते हैं। और कई बार हम आत्मा में, हमारी आत्मा का मनुष्य ऐसे चीजों को ढूंढता है जो इस शरीर में, इस संसार में जो हम नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हम आत्मिक, द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से हम कर सके, इसके लिए फास्टिंग और प्रेयर बहुत ज्यादा महत्व रखता है, कि इट विल डेवलप अवर स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। और फिर हम मतलब आजकल जब ये महामारी आए तो बहुत लोग पहले इस वर्ड को, शब्द को नहीं इस्तेमाल करते थे, अब ये 3 साल से लगातार इम्यूनिटी 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 बहुत इस्तेमाल होता है। ये इम्यूनिटी को डेवलप करना हमारे शरीर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं हो तो कोई भी वायरस, कोई भी इंफेक्शन शरीर में अटैक करके हमारी जो जो ऑर्गन्स है, जो अंग है, उसको कहीं भी डैमेज कर सकता है, कि जिस वजह से हम बीमारी ग्रस्त हो सकता है। लेकिन हम, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है शरीर में, तो हमारी जो इम्यूनिटी है, वाइट ब्लड, WBC क्या बोलते हैं, वो जो हमारा शरीर में भी परमेश्वर ने ऐसा सिस्टम बनाया कि वो शरीर अपने आप उस वायरस से, उस इन्फेक्शन ले लड़ती है। तो जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा तो वो वायरस जो कीटाणु है उसको वो नष्ट करता है, ये एक लड़ाई जैसा है। तो इस तरह से हमारी शरीर जब स्ट्रांग होता है, हम सिकनेस बीमारी के ऊपर हम जय पाते हैं, इसी तरह से हमारी आत्मा का मनुष्य, द स्पिरिट मैन ऑल्सो नीड्स इम्यूनिटी। हमारे आत्मिक पुरुष को भी हम स्ट्रांग बनाना है, और आत्मिक हमारी इनर मैन, एफिसियों 3 अगर उसमें लास्ट में पढ़ेंगे तो पौलुस कहता है कैसे हमारी अंदरूनी मनुष्य स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और मनुष्य केवल किसे वचन से स्ट्रांग होता है, प्रार्थना से स्ट्रांग होता है। तो हम जब उपवास और प्रार्थना करते हैं, सिर्फ खाना छोड़ना ही फास्टिंग प्रेयर नहीं है, जितना समय हम खाना छोड़ दिया उतना समय हम वचन में और प्रार्थना में बिताना है, संगति में बिताना है। तो धीरे धीरे ऐसे करते 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 हमारी
आत्मा का जो स्ट्रेंथ हो जाता है, अंदरूनी मनुष्य स्ट्रांग हो जाता है, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी हम डेवलप कर लेते हैं, फिर क्या होता है, हमारे शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का गमन, इस तरह जो कमजोरी जो शरीर के द्वारा आता है, तो हमारी आत्मा उसको उसके ऊपर जय पाके एक आत्मा की चाल चलन हम चलने पाते हैं। वी डेवलप दैट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड वी कैन इजिली रेजिस्ट द टेम्पटेशन। जो और लोग जो शरीर के चाल चलते हैं, उनको छोटी छोटी जो परीक्षा में भी वो गिर जाते हैं, क्योंकि वो आत्मा कमजोर है और शरीर ज्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से छोटी छोटी बात में वो गिर जाते हैं और फिर पवित्र आत्मा को शोकित कर देता है, फिर मसीह का नाम ऊंचा नहीं होता है। इफ यू वॉन्ट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, इफ यू वॉन्ट टू ग्रो स्पिरिचुअली, इफ यू वॉन्ट टू डेवलप स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर। ऐसे फास्टिंग और प्रेयर, उपवास प्रार्थना में कोई ऐसे बाइबल में मैंने ये नहीं देखा कि ये न एक खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसे कहीं भी नहीं लिखा है। अगर आप पूरा एपिसोड ध्यान से आप सुनेंगे तो उपवास किया हुआ बहुत सारे भक्त लोग का भी हम थोड़ा थोड़ा करके एक-एक वचन लिया है मैंने कि कैसे वो लोग फास्टिंग किया है और क्या क्या फास्टिंग का असली अर्थ क्या होता है और क्यों होता है। तो इट इज टू डेवलप, बेसिकली इट्स नॉट फॉर गॉड बट इट इज फॉर योर ओन सेल्फ, हमारे लिए है ताकि हम आत्मा को मजबूत करें और शरीर के अभिलाषाओं के ऊपर, शरीर के चाल चलन के ऊपर और हमारी शरीर की कमजोरियों के ऊपर जय पाके एक आत्मिक रीति से आगे बढ़ने के लिए। फिर क्या होता है कि यू रिसीव पावर, यू रिसीव पावर। आपको पता है सबसे पहले कलिसिया को यीशु मसीह ने कहा यहाँ पे तुमको ठहरे रहना पड़ेगा, 10 दिन ठहरे रहे थे वो लोग, और मैं सोचती हूँ वहां 10 दिन प्रार्थना में वचन में इतना लवलीन हो गए होंगे, वो खाना पीना भी शायद उस समय भूल गए होंगे। तभी जब वो 10 दिन वो ठहरे रहे थे तो पवित्र आत्मा का अग्नि के अभिषेक उनके ऊपर उतरा और फिर वो कभी वो शरीर का चाल उनके अंदर हम नहीं पढ़ते हैं, फिर वो आत्मिक मनुष्य बन गए। दे डेवलप्ड ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअल पावर। तभी यीशु मसीह ने एक्ट चैप्टर 1:8 प्रेरितों का 1:8 में हमेशा हम देखते हैं द डुनामिस पावर बोलते हैं, जो जो डायनामिक डायनामाइट जैसे माइंस को ब्लास्ट करने के लिए, पहाड़ों को ब्लास्ट करने के लिए, कोयला निकालने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे ही जो हमारे अंदर जो शक्ति है, जो क्षमता है आत्मिक रीति से हम पाते हैं, तो ये डिमोनिक फोर्सेस को, डार्क किंगडम, किंगडम ऑफ डार्कनेस को ऐसे ब्लास्ट करने पाते हैं। हालेलुया, और यीशु मसीह के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर पाते हैं। तो कई बार हमारे शरीर को आत्मा के अधीन में लाना बहुत ही जरूरी है। आप हर काम जब भी करते हैं तो इंसान का ये तबीयत होता है, ये बाय डिफॉल्ट वी आर लाइक दैट। हम लोग सोचते हैं इस करने से मुझे क्या फायदा होता है, क्या फायदा, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हम आत्मा में स्ट्रांग हो जाते हैं और परमेश्वर के पावर सामर्थ के अंदर हम टैप कर पाते हैं और पावर को रिसीव करते हैं, जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं 100%, हम फिर मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं पूरा दिन। ऐसे ही हम जब उपवास और प्रार्थना में बैठते हैं, वचन का गूढ़ बातों को सीखते हैं, तो वी विल बी चार्ज इन आवर स्पिरिट्स, हम लोग आत्मिक मनुष्य के अंदर हम चार्ज हो जाते हैं और परमेश्वर फिर हमें इस्तेमाल करते हैं अपने महिमा के लिए और किंगडम ऑफ डार्कनेस को शेक करने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं। वी रिसीव दैट डुनामिस पावर, दैट डायनामाइट पावर ऑफ गॉड विच इज मेंशन इन एक्ट चैप्टर 1:18। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जो शैतान जो गढ़ों को खड़ा कर दिया, दीवारों को खड़ा कर दिया, उस वो ढह जाएंगे,
क्रैक्स आ जाएंगे और धीरे धीरे ऐसे उपवास प्रार्थना करते करते ऐसे प्रार्थना में और ऐसे वचन में हम बढ़ते 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 क्या हो जाएगा, यू विल एक्सपीरियंस हैंड ऑफ गॉड एंड यू विल मूव इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे। एक असाधारण होते हुए भी हम एक सुपरनैचुरल रेल में ऑपरेट करने लग जाते हैं, एक अलौकिक दुनिया में ऑपरेट करने लग जाते हैं एंड वी गो टू द नेक्स्ट लेवल। जैसे आपको पता है ये दुनिया की चीज, जब तक हम शरीर के चाल चलते हैं ना, एक छोटी छोटी बात भी हमें बहुत बड़ा दिखने लग जाता है। जब हम आत्मिक रीति से स्ट्रांग हो जाते हैं, ये बड़ा बड़ा चीज भी हमें बहुत बड़े बड़े समस्या जो हम इतना समय व्यर्थ करते हैं चिंता में और बहुत सारे व्यर्थ बातों में, वो सब हमारे लिए छोटे होने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम फ्लाइट में जाते हैं, हवाई जहाज में ट्रैवल करते हैं, तो हम देखते हैं इतना ऊंचा जाने के बाद हमें इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स जो हमें दिख रहे हैं, ये बहुत छोटे छोटे मैच बॉक्स की तरह दिखने लग जाते हैं। सो वेन यू ग्रो सिमिलरली इन योर स्पिरिट रेलम, जब आत्मा में आप मजबूत होते जाते हैं, ये जो चुनौतियां आप जो डेली सामना करते हैं, वो जो समस्या जो डेली सामना करते हैं, वो सारी चीज आपके ऊपर आप बहुत आसानी से आप ओवरकम करने लग जाते हैं और वो जो समस्या इतना बड़ा दिख रहा था अब बहुत छोटे छोटे दिखने लगेंगे और आप आराम से उसके पर जय पाके परमेश्वर के लिए आगे बढ़ेंगे। इस तरह से यू ऑल नो, यू ऑल अंडरस्टैंड एंड दिस है, ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। ये उपवास प्रार्थना परमेश्वर के चरणों में बैठ के संगति बिताना, उनके उपस्थिति को, उनके अभिषेक को पाना, ये इट इज ऑल योर पर्सनल एक्सपीरियंस। ये ज्यादा एक्सप्लेन करने से ज्यादा खुद अनुभव करने से ही हमें समझ में आता है। चलिए जल्दी से हम कुछ लोगों को हम देखते हैं कि बाइबल में कौन कौन लोग हैं जो उपवास प्रार्थना करके क्या क्या हासिल किया, थोड़ा बहुत हम देखेंगे, जल्दी से देखेंगे। सबसे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, एस्तर 4:16। तू जाकर शुशान के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तू सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन 3 रात कुछ ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, यदि नाश हो गए तो भी हो गए। ये बुक ऑफ एस्तर मैंने एपिसोड बनाया, आप लोग को भी पता होगा, यहूदी कौम को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए किस तरह से हामान ने एक षड्यंत्र रचा है, और जब एस्तर ने उसने अनदेखी किया तो मोर्दकै किस तरह से उनको चेतावनी देता है, और फिर तब एस्तर ने रिपेंट करके फिर ये कहती है हाँ मैं अपने कौम के लिए, अपने जाति के लिए मैं खड़ी रहूंगी और मैं 3 दिन 3 रात उपवास करूंगी और मेरे साथ जितने सहेली हैं उन सब के समेत मैं 3 दिन 3 रात उपवास करके और कानून के विरुद्ध भी राजा के पास जाऊंगी, यदि मैं मर भी जाऊंगी तो भी मैं जाऊंगी। ऐसे करके जब उसने ठान लिया, उपवास प्रार्थना किया और फिर सचमुच में वो यहूदी 3,000 यहूदियों को वहां पे उस देश में बचाने पाई है, राजा के हुकुम भी बदली गई है, और आप पूरा एस्तर चैप्टर में पढ़ेंगे तो आज भी इजरायली लोग वो पूरिम पर्व वह पर्व को मनाते हैं और किस तरह से वो ईविल विकेडनेस दुष्टता के ऊपर कैसे प्रार्थना उपवास प्रार्थना करके जो परमेश्वर का योजना के अनुसार जय पाया है, हम एस्तर के किताब में बहुत सुंदर तरीके से हम देखते हैं। और फिर इसी तरह से हम और भी कुछ उदाहरण जल्दी से हम देखेंगे, Acts 9:9। और सॉल जब पॉल बन गया, उनका आत्मिक
आंख तो अब तक बंद था, आत्मिक आंख खुल गया है, लेकिन उनके शारीरिक आंख 3 दिन 3 रात तक बंद हो गया था। आपको सबको पता है। और पॉल को हाथ पकड़ के डेमस्कस जब लेके जाते हैं, उसने 3 दिन 3 रात तक कुछ नहीं खाया है। और फिर उसके बाद अनन्यास को परमेश्वर ने बात किया है, और वो जाके हाथ लगा के प्रार्थना किया, तब जाके पॉलुस का जो नेचुरल आइस, ये प्राकृतिक जो नेत्र है, वो खुल गया है। और लिखा है ना, तो वो 3 दिन 3 रात ना देख सका और ना खाया पिया है, ऐसे लिखा है, ना खाया पिया। सो ही वॉज फोर्स टू टेक 3 days and 3 nights फास्टिंग एंड प्रेयर टू बिकम अ चेंज्ड, टोटली ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। ये उनको 3 दिन 3 रात उपवास प्रार्थना किया है, उसके बाद वो जो परमेश्वर के एक महिमा का पात्र के रूप में इस्तेमाल किया गया है। हालेलुया। और मत्ती 12 और 40, मैथ्यू चैप्टर 12:40, यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसा यूना 3 रात 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसा ही मनुष्य पुत्र 3 दिन 3 रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। इस प्रोफेसाइड, जैसे योना 3 दिन 3 रात वो मछली का पेट में था, तब उसने रिपेंट किया, पश्चाताप किया, तब जाके परमेश्वर ने उनका योजना के अनुसार उनको निनवे में, वो मगरमच्छ जो है, निनवे में जाके उनको वॉमिट किया है, तब जाके उसने गॉड्स असाइनमेंट को वहां पे पूरा किया है, जो परमेश्वर ने उनके जो निनवे लोग को प्रचार करने के लिए कहा, तौबा करने के लिए उनको प्रचार किया, और फिर वो लोग भी फास्टिंग किया, और फिर ये भी फास्टिंग किया, और पूरा निनवे का जितने लोग, एक 1,020,000 समथिंग, वो इतने सारे लोग बच गए। हालेलुया। तो और फिर यीशु मसीह स्वयं 3 दिन 3 रात, जब वो, कई लोग बोलते हैं पूरा 3 रात नहीं है, ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि थर्सडे नाइट से जब पकड़वाना शुरू किया है, तब से वो गिन सकते हैं, थर्सडे नाइट, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, 3 दिन 3 रात वो पूरा क्रूसिफिक्शन का प्रोसेस में वो चलता रहा, और संडे मॉर्निंग फिर वो रिजरेक्शन हो गया, पुनरुत्थान हो गया। इस तरह से यीशु मसीह स्वयं हम देखते हैं कि 3 दिन 3 रात वो ना खाना पीना उसने किया था उस समय। और फिर हम देखते हैं इस तरह से, हम बहुत बड़े बड़े काम हासिल करना है तो कई लोग उपवास प्रार्थना करने का, इसका क्या होता है, एक डिसिप्लिन भी होता है, नहीं तो क्या होता है, दुनिया में रहते हुए, शरीर में रहते हुए, हमारे जिम्मेदारियां बहुत सारी होते हैं, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन, कोई ना कोई काम आ जाता है। व्हेन यू डिटर्मिन, जब आप दृढ़ निश्चय करते हैं ये उपवास प्रार्थना करना है, तब आप एक डिसिप्लिन, एक शेड्यूल बना के समय बिताते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में बिताना है, सब कुछ शट ऑफ करके बिताना है, तब परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे, और आपका जो 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 जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस काम को जरूर आपके जीवन में पूरा करेंगे। और थोड़ा सा हम देखते हैं कि मूसा ने, जब इसराइली 6.5 मिलियन इसराइलियों को मिस्र से बाहर निकाला है, और फिर उसके बाद वो लोग का कैसे जीना है, ये सब कुछ एक व्यवस्था, एक सिस्टम बनाना था, तो परमेश्वर ने मूसा को माउंट सीनाई, सीनाई पर्वत पर बुलाया है। और एक वचन सिर्फ मैं पढ़ती हूँ कि निर्गमन Exodus 34:28, उसमें लिखा है, मूसा तो वहां यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना तो उसने पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। जब 10 आज्ञाएं, मतलब 10 कमांडमेंट्स जो इसराइली लोगों के लिए व्यवस्था बनाए, उससे पहले
परमेश्वर ने मूसा को बुला के 40 दिन 40 रात उनसे बातचीत करते रहे और उनके साथ समय बिताते रहे। और 40 दिन के बाद वो 2 टैबलेट्स ऑफ स्टोन, तख्त बोलते हैं ना, जो वो जो स्टोन के ऊपर ये 10 कमांडमेंट लिखवा के फिर वो लेके आए थे। और ऐसे एक बार गुस्से से वो उसने उसको तोड़ दिया और दूसरे बार भी फिर 40 दिन 40, ही है टू फास्ट 2 टाइम्स लाइक दैट, 40 डेज 40 नाइट। और यीशु मसीह जब ऑफिशियली मिनिस्ट्री स्टार्ट करने पहले, जब वो 30 साल के थे, 30 इयर्स, जब बपतिस्मा हो गया, तब हम देखते मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 2, मत्ती 4 का 2, उसमें लिखा है वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। 40 दिन 40 रात निराहार रहा। ही नो ही हैज टू डू लॉट ऑफ मिरेकल्स एंड ही हैज टू गो थ्रू द क्रॉस। इतना बड़ा सेवकाई करना है और मानव जाति का उद्धार का काम करना है तो इतना आसान नहीं है। तो उसने 40 दिन 40 रात उसने निराहार रहा और 40वां दिन खत्म होने के बाद फिर उनको भूख लगी। और फिर 3 बार हम देखते हैं वह टेम्पटेशन, शैतान जो परीक्षाएं लेके आई उनके ऊपर किस तरह से जय पाया है और फिर अपना सेवकाई को अच्छी तरह पूरा करके अब बाप के दाहिने हाथे बैठ के हमारे लिए विनती कर रहे हैं। सो इट्स नॉट इजी टू डू मिनिस्ट्री। ये सब हमें समझ में आता है, सेवकाई करना इतना आसान नहीं है जो हम सोचते हैं। ऐसे ही एलिया ने भी, जब जिबेल ने उनको धमकी दी, उसने भी वहां पे फरिश्ते ने उनको कुछ केक और कुछ दिया है उस समय खा के, 1 किंग्स 19:8 में पढ़ते हैं, तब उसने उठ कर खाया पिया और उसने भोजन के बल पाकर 40 दिन 40 रात परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। और फिर यहोशफात को भी 2 क्रॉनिकल्स 20 में भी हम पढ़ते हैं, जब संकट आता है ऐसे पूरा देश को यहोशफात ने वो उपवास प्रार्थना के लिए बुलाया है। और डैनियल का जीवन में भी हम पढ़ते हैं, डैनियल 10:2-3 में लिखा है 21 डेज 3 सप्ताह उसने वो किस तरह से दर्शन को पाया है। इस तरफ अन्ना करके एक स्त्री थी, विधवा स्त्री थी, लूक 2:37 में वो लिखा है हमेशा उपवास प्रार्थना करके वो मंदिर में रहती थी। किस तरह से सिर्फ खाना पीना छोड़ना नहीं है, हमारा जबान को भी हम कंट्रोल करना है। याकूब का 3 अध्याय पढ़ेंगे तो किस तरह से हम अपना जबान को भी कंट्रोल करना है, अपना शरीर के अभिलाषा जो भूख है, खाने का जो ज्यादा जो स्पिरिट होता है उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते, और उतना समय गरीबों को देना और उतना जो हमारी आत्मा को मजबूत करके उतना प्रभु के लिए इस्तेमाल होना, ये सारे बातें हम उपवास प्रार्थना के द्वारा ही पा सकते हैं। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, हमने देखा है किस तरह से उपवास प्रार्थना कितना महत्व है प्रभु। बहुत लोग ने, भक्त लोग ने किया है और बहुत बड़े असाइनमेंट्स को, बहुत बड़े काम को हासिल किया है प्रभु यीशु। सहायता कीजिए पौलुस की तरह अपने शरीर को मारता हुआ कूटता हुआ हम अपने सोना का थोड़ा सा कम करें और उतना समय हम प्रार्थना में और वचन में हम बिताएं, ताकि हम अंदरूनी मनुष्य हमारा मजबूत रहे और हम आत्मिक चाल चले और तेरा नाम को ऊंचा करें और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम को हासिल करें। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन।